आज हम लोग दर्शन कोण के बारे में पढ़ते हैं। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है, इसे अल्फा से लिखा जाता है। अब दर्शन कोण अगर आंख पर बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण छोटा बनता है अगर आंख पर तो वस्तु छोटी दिखाई देती है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये ए बी एक वस्तु है जिसको आंख से देखते हैं हम, तो ए बी द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा है, तो ये दर्शन कोण हुआ। अब इसी ए बी वस्तु को अगर आंख से हम दूर कर दें, यहाँ पर ले आए इसी ए बी वस्तु को, तब आंख पर बना दर्शन कोण ये डॉट डॉट दिखाया गया अल्फा डैश है। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि अल्फा डैश लेस देन अल्फा, अर्थात जैसे जैसे वस्तु की आंख से दूरी बढ़ती जाती है दर्शन कोण छोटा होता जाता है और वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। तो वस्तु का छोटा बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अब यदि आंख से वस्तु की दूरी को एक्स से लें और वस्तु के व्यास को डी से लें तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा चित्र से डी अपॉन एक्स। इस समकोण त्रिभुज में देखें अगर तो आ जाएगा डी अपॉन एक्स। जब अल्फा छोटा होता है, अगर अल्फा छोटा है और रेडियन में मापा जाए तो टेन अल्फा की जगह केवल अल्फा लिख देते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो याद रखना इस अल्फा का मात्रा कोण है इसलिए रेडियन होता है, तो जो विजुअल एंगल है जिसको दर्शन कोण कहा जाता है उसका मात्रक रेडियन होता है। अब सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए उसे पास लाकर देखना पड़ता है, या पास लाकर देखने का प्रयास करते हैं, परंतु उसे आंख के बहुत समीप डी बराबर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कम दूरी पर लाएंगे तो आंख में तनाव उत्पन्न हो जाता है। यदि हम लेंस द्वारा इसका बड़ा प्रतिबिंब बना लें तो उसे आसानी से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो सरल सूक्ष्मदर्शी है और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे बाद में। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर पर है, अपनी आंख से बहुत दूरी पर होती है, आकार उसका बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी होने के कारण वह आंख पर छोटा सा दर्शन कोण बनाती है, इसलिए हमें चंद्रमा छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार सूर्य वगैरह भी हैं, सूर्य भी बहुत बड़ा है पृथ्वी से कई गुना है, परंतु दूरी अधिक होने के कारण हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाता है और इसीलिए हमें सूर्य भी छोटा दिखाई देता है। तो दर्शन कोण से वस्तु के आकार का पता चलता है। जैसे हम लोग अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ जाएं तो वहां से जब रोड पर देखते हैं लोगों को तो छोटे दिखाई देते हैं, तो दर्शन कोण छोटा बनने के कारण होता है।